प्रदेश में अस्पतालों के अंदर चल रही सरकारी दवाइयों की दुकानों में दवाइयों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने इस तरह के भ्रामक प्रचार करने वालों को खरी खोटी सुनाई है। कौल सिंह ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कुछ चिकित्सक और कुछ केमिस्ट एसोसिएशनों का काम है, लेकिन जो चिकित्सक इन दवाइयों को प्राथमिकता के तौर पर नहीं लिखेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तक की जाएगी। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कई डॉक्टर ही मरीजों को जेनरिक दवाइयों की बजाय दूसरी दवाइयां लिख रहे हैं, जिनकी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी दुकानों पर दवाइयां गुणवत्ता वाली होती हैं, लेकिन कुछ चिकित्सक और केमिस्ट एसोसिएशनों की वजह से ऐसी बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने चिकित्सकों को हिदायत देते हुए कहा कि चिकित्सक वही दवाइयां लिखें जो कि अस्पताल में उपलब्ध हों। गौरतलब है कि अस्पताल में मिलने वाली दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर पिछले कुछ दिनों से सवाल खड़े हो रहे हैं और मरीज पर सस्ती दवाइयों का असर नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा गुणवत्ता के सवाल पर दिए बयान से अब चिकित्सकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही तो गलत बात है, किसका ये कुछ हमारे डॉक्टर भी है इसमें और कुछ केमिस्ट एसोसिएशन, ये दवाइयां ठीक नहीं है, जबकि हमने कहा है कि ये प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, जो डॉक्टर एक पर्ची लिखेगा एक नीचे पर्ची रिकॉर्ड रहेगी हॉस्पिटल के अंदर, ताकि वो उन्हीं दवाइयों को लिखे जो हमारे हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध है, और जो जेनरिक मेडिसिन है दे आर ऑफ दी क्वालिटी, दे आर नॉट सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। तो इसलिए ये कहना गलत है, ये भी एक प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं। कोई डॉक्टर कहते हैं ये दवाई तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं पता इसका असर होना कि नहीं, वही लिखे जो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जल्दी दवाइयां हैं, सस्ती दवाइयां हैं।